नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, जितने भी यहाँ पर बीएसटीसी के स्टूडेंट देख रहे हैं। देखिए, आप सभी छात्रों को एक बड़ी चीज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप बीएसटीसी के स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर जानते होंगे। यहाँ पर जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस चैनल का नेम है उदयपुर क्लासेज। यहाँ पर जो राकेश जी है, वो जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहती है बीएसटीसी से रिलेटेड, वो सभी यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। साथ ही में जो नीरू मैम है, जो नीरू भारद्वाज है, जो समन्वयक है बीएसटीसी की, उनके मतलब कि उनके साथ भी वो काफ़ी बार वार्ता करते हैं। वार्ता करने के बाद में जो भी आगे से रिप्लाई आता है, वो आप सभी छात्रों को वीडियो के माध्यम से वो आप सभी को प्रोवाइड करवाते हैं, बताते हैं। अब इनका देख सकते हो, लास्ट वीडियो 6 दिन पहले का आया हुआ है। यानी कि अगर कोई अपडेट आती इसके माध्यम से, अगर आप मुझे बोलोगे कि सर यहाँ पर ये चैनल दिखाने की क्या जरूरत थी, देखिए इसके माध्यम से यही चीज़ मैं आप सभी छात्रों को क्लियर करने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूं कि जो राकेश जी है, उनके द्वारा भी अभी तक कोई ऐसा वीडियो अपलोड नहीं किया गया है जिसमें कि बताया जाए कि जो बीएसटीसी की फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट है वो उस डेट तक या उस तारीख तक जारी होने वाली है। क्योंकि इनका जो लास्ट वीडियो था वो आज से 6 दिन पहले जारी हुआ था, जो कि आप देख भी सकते हो, जिसमें ई पेपर में भी आप क्लियरली देख सकते हो कि डीएलएड का रिजल्ट काफी लेट जारी होने वाला है। अब उसके बाद में यहां पर चलते हैं अपन साइट के ऊपर। देखिए, सीधी सी बात यह है कि मैंने आप सभी को एक चीज पहले ही क्लियर कर दी थी, अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो आपको हमेशा जो अपडेट है वो मैं लगातार क्लियर करते हुए चलता हूं। और मैंने आपको ऑलरेडी एक अपडेट क्लियर भी कर दी थी कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो कॉलेज है वो आपकी जुड़ने वाली है, क्योंकि आपकी फर्स्ट में 372 कॉलेज थी, उनमें से 7 कॉलेज आपकी घटा दी गई थी या हटा दी गई थी, तो आपकी टोटल 365 कॉलेज रही थी। 365 कॉलेज पर आपके 24,700 सीटें हैं। अब यहां पर 90,000 स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग करवाई है, और काउंसलिंग करवाने के बाद में यानी कि 2021 के कंपेयर में यहां पर बहुत ज्यादा संख्या है, यानी 24,000 ज्यादा संख्या है, क्योंकि वहां पर 66,000 स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग करवाई थी और वहां पर जो सीटें रही थी आपकी वो 25,000 सीटें ही थी, लेकिन यहां पर आपकी 24,700 सीटें ही है। अब देखिए, नीरू मैम का जो एक तरह से रिप्लाई आया था वो ई पेपर भी मैंने आप सभी छात्रों को काफी बार दिखाया भी है, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको दिखाया नहीं है। एक बार मैं आपको जैसे टेलीग्राम पर ओपन करके भी दिखा देता हूँ, वो जो मतलब कि पेपर है वो मैंने आपको काफ़ी बार क्लियर भी किया उस ई पेपर के माध्यम से कि जो नीरू मैम है उन्होंने ये चीज़ आपको बताई है। जैसे कि यहाँ से अपन अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो ओपन कर लेते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए हो तो आप ज्वाइन हो जाना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर मैं डालता हूँ। काफ़ी बार क्या होता है, किसी चीज़ का वीडियो नहीं बन पाता है तो मैं वो चीज़ टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूँ, जिससे कि छात्रों को किसी भी प्रकार की कोई दुविधा ना हो उस चीज के बारे में, यानी कि सबसे पहले आप जान सको। बाकी ये नेटवर्क स्लो की वजह से यहां पर ओपन नहीं हो रहा है, बाकी एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूं टेलीग्राम को। तो बात ये है, सीधी सी बात ये है कि इतनी सीटें आपकी बची हुई है। अब यहाँ पर डायरेक्ट बात करते हैं आपकी फर्स्ट लिस्ट को लेकर। देखिए, फर्स्ट लिस्ट से पहले बात करें, आपकी 3 कॉलेज जुड़ने वाली है, जहाँ तक मुझे उत्तरों से पता लग रहा है 3 कॉलेज आपकी जुड़ने वाली है, और 3 कॉलेज की लगभग 100 सीटें भी माने तो अप्रोक्स 300 सीटें आपकी बढ़ेगी, तो 725,000 आपकी सीटें हो जाएगी। बाकी और भी ज़्यादा सीटें जुड़ सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा होगा 2.5 से 3 महीने तक लगातार स्टूडेंट्स को इंतजार करना पड़ा था जनवरी में, जहां आपकी अलॉटमेंट आई थी, उसके बाद में आपकी मार्च में जाकर अलॉटमेंट लिस्ट जारी की गई थी, क्योंकि वहां पर कुछ छात्रों की जो कॉलेज है वो भी चेंज हो गई थी, जिनकी सीकर आई थी उनको अलवर, अलवर वालों को गंगानगर, ऐसा कुछ कर दिया गया था। अब कुछ छात्र ये भी कमेंट करते हैं कि सर जब लिस्ट आएगी या अलॉटमेंट लिस्ट आएगी तो क्या कुछ हमें शो होगा। देखिए, ये 2020 की एक तरह से 21 की मैंने साइट ओपन कर रखी है, तो यहां पर देख सकते हो अभी आपको 4 कॉलेज की जगह है, जैसे कि 2022 की ये वेबसाइट है, 4 कॉलेज की जगह आपको 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, लेकिन जब आपकी लिस्ट आएगी तो यहाँ पर देख सकते हो इतने सारे ऑप्शन आपको शो जाएंगे। यहाँ पर जैसे आपको बोला जाएगा ऑनलाइन काउंसलिंग में नवीन सम्मिलित अध्यापक शिक्षा संस्थानों की सूची के संबंध में, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। बाकी यहाँ पर जो 4 कैंडिडेट्स की जगह भी यहाँ पर आपको देखो प्रिंट रिजल्ट कार्ड का, साथ में लॉगिन एप्लीकेशन फॉर्म, इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट रिजल्ट, ऐसा आपको ऑप्शन शो होगा। जब इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, जब आपकी फर्स्ट लिस्ट आएगी तो आपको इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट रिजल्ट का ऑप्शन हो जाएगा। तो जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको काफी ऑप्शन हो जाएंगे जहां पर आप अपने जो डिटेल्स है वो डालकर आप जो अपनी कॉलेज है यानी कि आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है वो चीजें आप देख सकते हो। बाकी जितने भी यहाँ पर बीएसटीसी के स्टूडेंट है मैं आपको देखिए लगातार अपडेट करते आ रहा हूं, आपको फेक वीडियोज के चक्कर में नहीं आना है। बाकी आपको एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको थंबनेल थोड़ा अट्रैक्टिव मिल सकता है लेकिन वीडियो या जो कंटेंट मैं बनाता हूं वो बिल्कुल आपको 100% प्योर मिलेगा, बिल्कुल आपको ऑथेंटिक न्यूज मैं देता हूं। लास्ट नोटिस आपका यही जारी हुआ था जो कि काउंसलिंग प्रेफरेंस को लेकर जारी हुआ था, उसके बाद में आपका एक भी नोटिस जारी नहीं हुआ है। यहां पर जैसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो अभी देखिए, मुझे जहां तक लग रहा है अगर आप मुझे कमेंट करके बोलोगे कि सर आप बताइए कि जो हमारी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट है वो कब तक जारी हो सकती है, अब मुझे 100% है कि आपकी लिस्ट है वो जनवरी में ही जारी होगी। जनवरी का फिक्स डेट नहीं है कि जनवरी में किस डेट को जारी हो जाए क्योंकि आपकी कॉलेज तो ऐड होकर ही मानेगी। ठीक है, अब ये बात आपकी क्लियर हो चुकी है। अब उसी के बाद में फिर भी कुछ छात्रों के कमेंट रहते हैं, हर का मैं कमेंट करते हुए यानी कमेंट का रिप्लाई देते हुए चलता हूं। बाकी आपकी जो परसेंटेज जो आपके कट ऑफ रहेगी या जो आपके नंबर आए हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना तो आपको बता दूंगा कि इतने पर आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो सब बाकी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी हेट करने की कोई जरूरत नहीं है, जब आगे से कोई अपडेट नहीं आ रहा तो मुझे दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको भी पता है जब आगे से कोई अपडेट नहीं आ रही है तो अगर हम ट्विटर कैंपेन या एक तरह से मेल कैंपेन भी चलाएं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वहां पर टाइम लगने वाला है। बाकी एक बार नीरू मैम का जो भी फैसला रहेगा या ई पेपर जारी होता है नोटिस जारी होता है तो सबसे पहले आप सभी छात्रों के सामने उसको रखा जाएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यहां पर नेटवर्क स्लो होने की वजह से ये ओपन नहीं हो रहा है, वैसे मैंने वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है लेकिन ये नेटवर्क स्लो है इस वजह से ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।